हमारी हेडिंग है अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत या अणुजैविकी का सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इस सिद्धांत में, इस सिद्धांत के अंतर्गत डीएनए में सन्निहित सूचनाओं, जो डीएनए में जो सूचनाएं होती हैं, जो उसमें सन्निहित हैं, जो इंक्लूडेड सूचनाएं हैं, के डीएनए से कोशिका तक पहुंचने के संबंध में, जो डीएनए से कोशिका तक पहुंच रही हैं, जो सूचनाएं डीएनए से कहां तक पहुंच रही हैं, कोशिका तक पहुंच रही हैं, ठीक है, कोशिका द्रव्य तक जो पहुंच रही हैं जो सूचनाएं, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मा जो कोशिका द्रव्य तक पहुंच रही हैं उनके संबंध में क्या मत दिए गए। अणुजैविकी का केंद्रीय सिद्धांत क्या बताता है, अणुजैविकी का सेंट्रल डोगमा ये बताता है कि डीएनए से जो सूचनाएं होती उठती हैं, जो डीएनए में सूचनाएं जो वहाँ से उसमें जो सन्निहित सूचनाएं हैं वो जब कोशिका द्रव्य तक जाती हैं तो उसमें वो कैसे जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले बेचारे आए क्रिक एंड बाल्टी चोर, सॉरी बाल्टी मोर, क्रिक और बाल्टी मोर, क्रिक और बाल्टी मोर का ये मत था कि सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह, जो सूचनाएं होती हैं वो एक दिशा से यानी डीएनए से उठी और कोशिका द्रव्य में चली गई, ये किसका सिद्धांत था, क्रिक और बाल्टी मोर का। उसके बाद बचा कई सारे साइंटिस्ट आए, मेनी साइंटिस्ट, एमएस का मतलब मेनी साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो वृत्तीय होता है, यानी यहाँ से उठेंगी इस तरीके से सूचनाएं, वृत्त की तरह, गोला नहीं, वृत्त अलग होता है, गोला अलग होता है। और कई सारे साइंटिस्ट ने बताया कि जो सूचनाओं का जो प्रवाह होता है वो वृत्तीय तरीके से होता है डीएनए से कोशिका द्रव्य में, फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म। और उसके बाद टेमिन आ गए 1970 में, एक विज्ञानी टेमिन आ गए, टेमिन ने ये बताया कि जो सूचनाओं का प्रवाह होता है ना वो विपरीत होता है, विपरीत प्रवाह होता है, ठीक है, जैसे सीधा नहीं होता है, विपरीत प्रवाह होता है। तीन मत हैं, पहला सूचनाओं का एक दिशीय प्रवाह होता है, दूसरा सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह होता है, तीसरा सूचनाओं का विपरीत प्रवाह होता है, आया। तो ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो डीएनए से जो सूचनाएं उठती हैं, दैट मैसेजेस ओरिजिनेटेड फ्रॉम डीएनए, जो सूचनाएं डीएनए से उठती हैं वो कोशिका द्रव्य तक कैसे पहुंचती हैं, तो उसमें तरह तरह के साइंटिस्ट ने तरह तरह के मतभेद दिए हैं, इतना अंदर की बात में 5-6 लोग कूद पड़े हैं। पहले क्रिक और बाल्टीमोर आए, उन्होंने कहा कि भैया जो सूचनाओं का प्रवाह होता है उसे सीधा होता है, एक दिशी होता है, मतलब एक दिशा में ऐसे होते चला जाता है, आया। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये बताया, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये बताया कि जो सूचना का प्रवाह होता है वो वृत्तीय होता है, घुमावदार। कई सारे साइंटिस्ट, उसके बाद एक आ गया टेमिन, वैज्ञानिक टेमिन 1970 में आ गए, उन्होंने ये बताया कि सूचनाओं का प्रवाह विपरीत होता है, आया। तो ये जो सेंट्रल डोगमा है, सेंट्रल डोगमा का जो सिद्धांत है, जो केंद्रीय सिद्धांत है किसका, अणुजैविकी का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, उसमें तीन मत हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है कि सूचनाओं का वृत्तीय प्रवाह होता है, लेकिन क्रिक और बाल्टीमोर का मत है कि एक दिशीय होता है। उसके बाद टेमिन 1970 में ये बताए कि प्रवाह जो होता है वो कैसे होता है, आ गया समझ में।